इस फिल्म का प्रयोजन पूरी तरह से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज के आस्था और विचारधारा को दर्शाने के लिए किया गया है। यद्यपि हमने धार्मिक मूल पाठों से संबंधित कुछ मुद्दे व कुछ प्रश्न उठाए हैं, हमारा इरादा किसी भी समुदाय के, आस्था के, धर्म के, किसी भी जाति के, विचारधारा के व्यक्ति एवं व्यक्तियों को बाधित अथवा आहत करने का नहीं है। हमारा अभिप्राय तर्कपूर्ण स्पर्धा करना है, बिना किसी आस्था को क्षति पहुंचाए। सभी चित्रित किए गए पात्रों के नाम, पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं। पंडित जी, आपने अपना मोबाइल स्विच ऑफ क्यों करके रखा है? हम जर्नलिस्टों को कम से कम आपको समय देना चाहिए, हमारे भी तो कुछ प्रश्न हो सकते हैं ना। पूछिए, क्या पूछना है आपको? सुना है आपकी बहुत किरकिरी हो गई। देखिए, ये सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हर बात में ये लॉजिक ढूंढते जो कि गलत है। ये चलिए, कुछ प्रश्नों का जवाब आप ही दीजिए। क्या श्री कृष्ण भगवान की 16,108 रानियां थी? क्या ये संभव है? और सुना है कि काट की मुरली से श्री कृष्ण भगवान गोप गोपिकाओं को भी सम्मोहित कर लेते थे। क्या भगवान को ये शोभा देता है कि वो किसी को भी भगा के शादी करे? और कर्ण को भी तो युक्ति से मारा गया था, तो भगवान को ये शोभा थोड़े ही देता है कि वो हिंसा के लिए किसी को प्रेरित करे? एक महाभारत जिसमें लाखों लोग मारे गए और पांडवों ने राज भी किया तो कितना, सिर्फ 36 वर्ष। लाखों लोगों को मारना क्या तर्क संगत था? क्या ये हिंसा नहीं थी? क्या ये उचित था? और आप उसको धर्म युद्ध का नाम देते हैं? क्या भगवान को किसी को मारने के लिए प्रेरित करना ये शोभा देता है? कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं आप? पता है आप किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? आपकी बुद्धि सभी की भ्रष्ट हो चुकी है। मैं उन्हीं लोगों से बात करूंगा जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी है और उन्हीं के प्रश्नों के उत्तर दूंगा। मैं अंधों के शहर में आईने नहीं बेचना चाहता। आजकल तो सभी जगह पे नकारात्मकता भरी हुई है, थोड़ा अपना विवेक का इस्तेमाल तो कर लीजिए। पंडित जी, गीता एकमात्र ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें लिखा है कि काम महाशत्रु है, लेकिन आपने तो उस पर विजय प्राप्त नहीं की। सुना है कि पंडिताइन जी को बच्चा होने वाला है और आप जहाँ पे भी गीता पाठ करते हैं उनसे तो ये व्रत लेते नहीं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, ना आप खुद धारण करते हैं ना दूसरे से करवाते हैं, तो कहाँ तक ये नया संगत बात है? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अगर सभी ने ब्रह्मचर्य अपना लिया तो इस दुनिया की उत्पत्ति कैसी होगी? देखिए, जैसे हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, तो आप प्रकृति के अगेंस्ट नहीं जा सकते। गीता की मूल धारणा ही है पवित्रता और उसी को आपने खंडित कर दिया। पंडित जी, आप तो महाज्ञानी हैं, महापंडित हैं, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि देवी देवता और भगवान की उत्पत्ति कैसे होती है? क्या विकार द्वारा? लेकिन गीता में तो काम को विकार कहा गया है। अगर पहली धारणा ही आप
समाज और पंडित लोग अपने जिज्ञासुओं से नहीं करवाते हो, ये विकार है तो दुनिया में सुख और शांति कैसे आएगी? और मुख्य बात तो काम विकार की है ना गीता में। जबकि ये आपका ही पहला कर्तव्य है जो आप लोगों को इस बात पर समझाएं। अगर यही धारणा आप लोगों से नहीं करवा सकते तो दुनिया में सुख शांति कैसे आ सकती है? अरे सज्जनों, काम विकार का मतलब है इच्छाएं, कामनाएं, इनको कम करो। क्या आप में हिम्मत है घर गृहस्थ को आश्रम बनाने की? क्योंकि दुनिया भर में हर दुख का कारण एक ही है और वो है अपवित्रता। ये विकार है तो दुनिया में सुख और शांति कैसे आएगी? और देवी देवताओं के राज्य में तो पवित्रता ही मुख्य धारणा थी, ऐसा सुना है। देखिए, आप लोगों के प्रश्न खत्म नहीं होने वाले, आप लोगों के सभी प्रश्नों के उत्तर मैं दे दूंगा, बट अभी नहीं, मुझे जाना है। अभी आप लोग रुकिए, अभी पंडित जी का टाइम हो गया, प्रवचन का टाइम हो गया, अभी इनको जाना है, आप लोग इनको छोड़िए। जी चलिए। आज तो मैं पूरा घर तहस नहस कर दूंगी, मुझ पर इतना शक कर रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं। और रही बात नाश्ते की, कानू आज तो मैं तुम्हारे साथ ही नाश्ता करूंगी। अब क्या हुआ? अब क्यों उदास है आप? काना, आपको अपने भक्तों की परीक्षा लेने में बहुत मजा आता है। मैं तो बस तुम्हें सत्यता से वाकिफ करना चाहता हूँ। कैसी सत्यता जिससे किसी का घर उजड़ जाए? भगवान कभी किसी का घर नहीं उजाड़ता, बल्कि वह बनाता है। पर काना, मेरा घर तो उजड़ रहा है ना, और आपको पता भी है शास्त्री जी ने मुझे क्या बोला कि वो मुझे मायके छोड़कर आ जाएंगे, और आप यहाँ पर इतना आनंदित हो रहे हैं। मैंने तुम्हें कई गुए रास बताए। ओ मेरे भोले और प्यारे कान्हा, शास्त्रों की बातों का पालन करना, इसमें तो लोगों को इतनी मुश्किलात होती है, और आपके इतने गुहे ज्ञान से तो इस पूरी दुनिया में भूचाल ही आ जाएगा। आपको पता है हम लोगों को ना सत्यता से कोई लेना देना नहीं है, हम बस वही करते हैं जो हमें बचपन से लिखाया और पढ़ाया जाता है, और नई बात को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। तुम्हें मेरी ये चुनौती तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, तभी तो मैं यहाँ अभी तक बैठा हूँ और तुमसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी नौदा भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, और तुम ही हो जो मेरी बातें दुनिया तक पहुंचा सकती है। काना, पर इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए मेरे पास है ही क्या? तुम ये कैसे भूल सकती हो कि भगवान ने, परमात्मा ने तुम्हारे ऊपर ज्ञान का कलश रखा, तुम एक शक्ति हो, तुम चाहे कुछ भी कर सकती हो। भगवंत, आपकी बातें बहुत विवेकपूर्ण हैं और विचारणीय हैं, पर इस कलयुग की दुनिया में ना उसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, तुम्हें नहीं, मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि मैं दुनिया तक ये बात पहुंचाऊं कि भगवान कौन है। आप ही तो भगवान हैं। मैं गॉड नहीं, मैं लॉर्ड, लॉर्ड कृष्णा। ये क्या कह रहे हैं आप प्राणेश्वर? सारी दुनिया तो आपको भगवान मानती है, कहीं आप मुझे गुमराह तो नहीं कर रहे? अभी समय नहीं आया कि मैं तुम्हें सारी बातें बताऊं, और हाँ,
अपने पति शास्त्री जी को ये जरूर कहना कि जो मेरे बारे में गलत फहमियां फैला रहे उसे बंद करें और जो मैं कह रहा हूं उसे स्वीकार करें। फिर चले गए, अब मैं क्या करूं? आप ना मेरा तलाक कराकर ही छोड़ेंगे, पर मैं मीरा थोड़ी ना हूं जो मैं जहर का प्याला पी लूं और आप मेरे जहर को अमृत बना दें। अब ना मुझे शक हो रहा है, अभी मन्यु को भी ना आप ही ने फंसाया होगा और चक्रव्यूह में फंसाकर गायब हो गए होंगे। आप तो भगवान है ना, इसलिए कुछ भी कर सकते हैं, पर अब मुझे तो बता दो कि मैं क्या करूं। कृष्ण और राधा का मैंने बहुत सारे किस्से सुने हैं, लेकिन एक बार रुक्मिणी ने कृष्ण से पूछा कि भला आप राधा को इतना प्रेम क्यों करते हैं? बताइए, क्या आपको पता है? कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है, क्या आप मुझे अपने पैरों की धूल दोगी तो शायद मैं ठीक हो जाऊं? तो रुक्मिणी ने कहा, क्या पाप कराएंगे भगवान? और ये बात कहां तक पहुंची? वृंदावन तक। ना तब स्वयं राधा ने कहा, पैर की धूल क्या, मैं पूरी की पूरी लेट जाती हूँ और वो धूल कृष्ण जी को लगा दीजिए। इतना अटूट प्यार था राधा और कृष्ण जी का। इन गुणों के कारण गोपियां रानियां उन पर जान निछावर करती थी और उनकी 8 पत्नियां थी, जिनमें से 3 रानियां रुक्मिणी, सत्यभामा और जामवती मुख्य थी। नारायण निरुत्तर हो गए। नारायण का सब्र का बांध टूट गया और पत्रकारों से किरकिरी। सुना है आपकी बहुत किरकिरी हो गई। नारायण का घर ग्रस्त आश्रम टूटने की कगार पर, और ये क्या कह रहे हैं लोग, कुछ भी कह रहे हैं। मीडिया वाले कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी दिखाते हैं। अरे कुछ तो सोचो, इंसान की बदनामी हो रही है भाई। हेलो हेलो, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। यशोदा यशोदा यशोदा, मैं कब से बाहर से आके बैठा हूं यहां पे, कम से कम पानी तो पिला दो। यशोदा आ रही हूं, मैं खाना बना रही थी, ये लीजिए पानी। नहीं चाहिए मुझे। ये हो क्या गया है आपको? मानसिक संतुलन ठीक तो है?
होश में तो हैं आप जैसे महापंडित, आपको ये सब शोभा देता है? आप गीता प्रवचन करते हैं और खुद ही बोलते हैं कि हिंसा करना ठीक नहीं है, और अब खुद ही घरेलू हिंसा पर उतर आए हैं। अगर अभी कोई आ गया देखकर क्या बोलेगा हमारे शास्त्री जी? वाह, हाँ, अब तुम ही बची थी मुझे सुनाने के लिए। पूरे दिन में सब सुना रहे थे और पूरी दुनिया, अब तुम भी सुना लो। अच्छा खासा कुंवारा था मैं, पता नहीं कौन सी घड़ी में मैंने तुमसे शादी कर ली। और ये कांड तुम्हारे चेले ने तो नहीं किया जो मेरा वीडियो वायरल कर दिया मुझे बदनाम करने के लिए? देखिए पतिव्रता पत्नी पर ऐसा लांछन लगाना आपको शोभा नहीं देता, और वो भी आप अपना बसा बसाया घर उजाड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक शक के बिना पर। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया। इन पत्रकारों को कहीं तुमने तो नहीं भेजा? और मेरे और कृष्ण के बीच में अगर कोई आएगा ना तो यहाँ पर सैलाब आ जाएगा, मैं किसको छोड़ूंगा नहीं। हाँ, और अगर मेरी छवि खराब होती है तो तुम्हारी भी तो होगी ना। आप ना एक काम करो, मथुरा या पहाड़ों पर घूमाओ, मैं आपकी पत्नी हूँ, नौकरानी नहीं हूँ। देख लो भारतीय नारी को, 7 जन्मों का साथ निभाने की बात की थी, इस जन्म में भी साथ दिया ना तो बहुत हो जाएगा। जाओ मेरे लिए खाना बनाओ। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरे परिवार वालों ने मुझे खूटे से बांध दिया हो। आपको तो वही अच्छा लगता है कि हर कोई आपकी हाँ में हाँ मिलाए और बोले सत्य वचन महाराज, सत्य वचन महाराज। आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, नारी अगर पालना करना जानती है ना तो वो संघार करना भी जानती है। आप अपनी मर्यादा में रहें तभी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अहंकार ना रावण का रहा और ना ही आपका रहेगा। टीवी तो देख लेते हैं, अभी भी मेरी न्यूज आ रही है। जी मेरे गुरु ने कहा था कि जिंदगी में कभी कोई कठिनाई आई तो आपको गीता वाचन करना चाहिए, चलो देख लेते हैं। काम ही मां शत्रु है, यशोदा यशोदा आज भी पेशेंट वाला खाना खाना पड़ेगा लगता है। अरे भाई भूख लगी है, खाना तो लगाओ। खाना लगा दिया है, खा लेना। अगर कुछ और चाहिए होगा तो रसोई से ले लेना, मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ गए तुम्हारी पत्नी धर्म, मुझे यहाँ पे बिठा के खिलाओ ना। मैंने खाना खा लिया है, और किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि जब पति खाना खा ले पत्नी तभी खाना खाए, जब भूख लगे तब खा लेना चाहिए। इसीलिए मैंने खाना खा लिया है, और मैं कोई आपकी भक्त नहीं हूँ जो पहले आपको भूख लगाऊं और फिर मैं खाऊं। तेवर तो देखो इस महारानी के, मेरी माँ ना पिताजी के बाद ही खाना खाती थी। वो जमाना अलग था और ये जमाना अलग है। अब स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं रहा है, मैं भी कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हूँ अगर मुझे मौका दिया जाए तो। और हाँ एक चीज आप पूरी तरीके से भूल चुके हो, आपको कथा प्रवचन के लिए प्रेरित किसने किया था? अच्छा तुम ऐसे नहीं मानोगे, एक काम करना मैं खाना खा लेता हूँ और मेरे जरा आज पैर दबा देना, मैं बहुत थक चुका हूँ। यही पास में मसाज सेंटर है, चले जाइए आप, आपकी फुल बॉडी मसाज हो जाएगी। और वैसे भी आप ठहरे पंडित तो आपसे वैसे ही कोई पैसा नहीं मांगेगा। और हाँ
कहते हैं ना, पंडितों की सेवा करने से पुण्य मिलता है। जाइए आप, थोड़ा सा उनको पुण्य कमाने का मौका दे दीजिए। अब तो तुम्हें पंख आ गए, लगता है काटना पड़ेगा। देखती नहीं हो, लक्ष्मी जी विष्णु जी के पांव दबाती रहती है, और यही तो पत्नी धर्म है ना। और तुम्हारी जुबान ना अब कैची की तरह चल रही है, इसे संभाल के रखो और बहस करना बंद कर दो। जाकर देखा था आपने वैकुंठ में कि लक्ष्मी जी नारायण जी के पैर दबाती थी? हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो नियम बना दिए, अब उसको अंधश्रद्धा समझकर हम उसका पालन करते रहे। और वैसे भी मैं भी तो घर में सुबह से लेकर शाम तक काम करती हूँ, आपने आज तक मेरे पैर तो नहीं दबाए, और यहाँ तक कि आज तक आपने कभी मुझसे पूछा भी नहीं है कि तुम थक गई हो, तुम्हारे पैर दबा दूं क्या? तुम्हारे घर वाले ने तुम्हें यही सिखाया है? घर वालों ने तो बहुत कुछ सिखाया है, और ये भी सिखाया है कि जहां अन्याय हो उसको सहन नहीं करना और उसका मुंह तोड़ जवाब देना है। अच्छा, अब बात समझ में आई कि तुम मीरा बननी चली हो और कृष्ण जी की पत्नी बननी चली हो। शास्त्री जी, आप मेरी बातों को ना अन्यथा ले रहे हैं। मैं तो कृष्ण को अपना बेटा बनाना चाहती हूँ। यही संस्कार दोगे अपने बच्चों को? और आप शायद भूल गए हैं कि एक माँ ही अपने बेटे में अच्छे संस्कार डालती है, और मैं कोई कमजोर माँ नहीं हूँ। इसीलिए ये जो आप बहस कर रहे हैं ना, ये करना बंद कर दीजिए और अपनी आंखें खोलिए। तुम ये बात भूल चुकी हो कि तुम्हें खाना खिलाता पिलाता तुम्हारा काना नहीं है, मैं तुम्हें खिलाता पिलाता हूँ, और इसी वजह से तुम ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हो। पंडित जी, आप एक बात बताइए, आप ही तो कहते हैं ना अपने कथा प्रवचन में कि हमारा पालनहार तो स्वयं भगवान है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुझे खिलाने पिलाने वाले आप हैं मेरे पालनहार? वाह पंडित जी वाह, आप खुद देख लीजिए, आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। अब आप अपनी जुबान थोड़ा सा संभाल कर रखिएगा। पति परमेश्वर नहीं होता, लेकिन परमेश्वर पति जरूर हो सकता है, ये बात आप गांठ बांध कर रखिएगा। और आप भूल गए, कथावाचक तो मैं भी थी, मुझ में ज्ञान भी है और समझ भी है, पर आप में ज्ञान तो है समझ नहीं है। और रही बात लोगों की, लोग तो सवाल उठाएंगे ही ना, और उसका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। आपने ठेका जो उठाया है, ठेकेदार जो ठहरे आप भगवान के, अब चाहे आपसे सवाल घर में पूछे जाएं या बाहर, आप तैयार रहा करो उन सबका जवाब देने के लिए। समझ में आई बात? अरे सुनो तो, अगर कृष्ण भगवान ने गीता के समय को रोक दिया था, जब उनके पास इतनी शक्ति थी कि वो समय को रोक सके, तो महाभारत के युद्ध के बिना भी तो वो पांडवों को विजय दिला सकते थे। इतनी बड़ी महाभारत क्यों रची, क्यों लोगों को मरवाया? अरे भोली बहन, जब कृष्ण का जन्म हुआ था तो सिर्फ कौरव ही नहीं थे वहाँ पे, उनके सामने कंस जरासंध जैसे महान दैत्य थे जिनका वध करना जरूरी था, और उसके पीछे भगवान की कल्याण की ही भावना थी। जो स्वयं मोक्ष पा गए वो भी भगवान के हाथों। क्या चार पांच दैत्यों को मारने से धरती पर स्वर्ग आ जाता है? उनको मारने के बाद भी उनके अंदर आसुरी संस्कार वैसे ही रह जाती हैं। पूर्व जन्म लेकर
फिर वही आखिरी संस्कार फिर पैदा हो जाते हैं उनके अंदर। क्या आपको नहीं पता कि भगवान के हाथों से मरने से मुक्ति मिलती है? क्या शस्त्र से मारने को हिंसा कहते हैं? क्या भगवान किसी को हिंसक युद्ध में मारने के लिए प्रेरित करते हैं? भगवान, क्या सेवा करूं आपकी, आज्ञा करें। गीता एक ऐसा धर्म शास्त्र है जिससे आप अपने जीवन की हर परिस्थितियों को पार कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान उवाच, जीवन में किसी भी परिस्थितियों को पार होने के लिए तीन बातों की जरूरत होती है। एक, धैर्य। दो, साहस। तीन, धर्म। और विनाश के तीन दरवाजे होते हैं, वो है काम, क्रोध, लोभ। अगर हम अपने जीवन में कामनाओं को कम कर देते हैं तो हमारा जीवन यथार्थ रूप से सरल हो जाएगा। पंडित जी, क्षमा याचना, लेकिन मैंने तो सुना है कि मोह और अहंकार भी नरकाई द्वार है। और दूसरी बात, सुना है कि अर्जुन को श्री कृष्ण के विराट रूप का साक्षात्कार भी हुआ और स्वयं अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि बस करो भगवान, मैं आपको और नहीं देख सकता। तो भगवान का रूप तो सौम्य होना चाहिए, ना कि रुद्र। वास्तव में अर्जुन तो सभी होने चाहिए, क्योंकि अर्जुन का अर्थ ही है ज्ञान अर्जित करने वाला। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? क्या रात के समय दिन होता है? नहीं ना। क्या दिन के समय रात होती है? तो ऐसे ही कृष्ण के समय में कंस नहीं थे, वैसे ही राम के समय में रावण नहीं था। और तुम लोगों ने तो मेरा अवतरण द्वापर के अंत में ही दिखा दिया। और एक छोटे बच्चे में भी इतनी समझ होती है, क्योंकि द्वापर के बाद अगर कलयुग आ गया तो क्या परमात्मा स्वर्ग की रचना करेंगे या नरक की? भगवान, आपकी बातें तो बहुत ही प्यारी हैं, पर मेरी समझ से बाहर है। अगर मेरे गीता ज्ञान देने के बाद भी कलयुग आ गया तो वह गीता ज्ञान का महत्व ही क्या रहा? ऐसे ही जब शास्त्र में कल्प की आयु हजारों साल बता देने के कारण मनुष्य कुंभकर्ण की गहरी नींद सो गए, तुम्हें उन्हें जगा। मैंने तो काम पे जीत की बात की थी, और परमात्मा ने तो हमें डबल अहिंसक बनाया था। शास्त्रों में तो कौरवों पांडवों का हिंसक युक्त दिखाकर भी हिंसा को वैध बना दिया, जबकि परमात्मा अहिंसा परमो धर्म का ज्ञान देते हैं। भगवान, आपकी इन बातों को मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आप कितनी कोशिश कर रहे हैं मेरी बुद्धि के कपाट खोलने की, पर मेरी बुद्धि में पूर्व सर्जित बातें भरी होने के कारण आपका ये नया ज्ञान मेरी बुद्धि स्वीकार करने में असमर्थ हो रही है। भगवान, मैं ना ही तो आपके इस ज्ञान को समझ पाऊंगी और ना ही तो लोगों तक इसको पहुंचा पाऊंगी। आप मुझे माफ करें। बच्ची, वो तो समय बताएगा ना।